नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जिसका प्रयोग सारे ट्रेडर, मैक्सिमम ट्रेडर्स इसको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। यह इंडिकेटर बेसिकली हमें किसी भी स्टॉक के प्राइस ट्रेंड को बताता है कि अभी उस स्टॉक का प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है या बियरिश ट्रेंड में है। तो इस इंडिकेटर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस इंडिकेटर को यूज करना चाहिए। हम रियल टाइम चार्ट पे भी चल के देखेंगे कि उसमें हम मूविंग एवरेज को कैसे यूज करें, वो हमें कैसे प्राइस के ट्रेंड को बताता है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है, तो इसको स्किप ना करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर के लिंक है, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। तो पहले हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, कितने तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। तो टाइप को समझने से पहले हम मूविंग एवरेज को समझें कि मूविंग एवरेज क्या है, और उससे पहले मूविंग एवरेज से पहले हम एवरेज को समझें कि एवरेज क्या है। तो जैसा कि हम पहले से भी जानते होंगे या आप लोग जानते होंगे कि एवरेज क्या होता है। किसी भी चीज का अगर कोई, मान लीजिए 10 एप्पल है, 10 एप्पल का अगर एक एप्पल का एवरेज प्राइस बताना हो, वेट बताना हो, तो हम क्या करेंगे कि 10 एप्पल को इंडिविजुअल वन बाई वन वेट करेंगे और उसको टोटल करेंगे और उसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 एप्पल का एवरेज प्राइस आ जाएगा, या 10 एप्पल का टोटल हम करेंगे और उस टोटल वेट करेंगे और एक बार में 10 से डिवाइड कर देंगे, टोटल में जितना जो वेट आएगा, मान लीजिए 100 ग्राम आता है एवरेज वेट, तो उस एप्पल का एवरेज वेट क्या हो गया, 100 ग्राम्स। सिमिलरली जो स्टॉक मार्केट में जब हम किसी भी स्टॉक का ट्रेंड चेक करते हैं, तो हमने पहले भी देखा है कि पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैंडल के बारे में डिस्कस किया था। तो जिस भी पीरियड का हम कैंडल लेते हैं, मान लीजिए 1 डे का कैंडल अगर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने मूविंग एवरेज में जो पीरियड सेलेक्ट कर रखा है वो 9 या 10 कर रखा है, बाई डिफॉल्ट 9 होता है, तो वो लास्ट 10 दिन के जो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होता है उसके टोटल को 10 10 से डिवाइड करके जो एवरेज आता है उसको वो लाइन में शो करता है। तो ये था हमारा एवरेज। अब हम इसको मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मूव होते रहता है। मान लीजिए 1 तारीख से 10 तारीख का हमने अगस्त 1 तारीख से 10 तारीख को, 10 तारीख को मैंने पिछले 10 दिन का मूविंग एवरेज निकाला उस मूविंग एवरेज के थ्रू, तो वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो कैंडल बना उसका सम करके, टोटल करके और 10 से डिवाइड किया तो जो भी आया वो उसका मूविंग एवरेज हो गया। सिमिलरली अगर हम 11 तारीख में उसको देखेंगे तो वो 1 तारीख वाला उससे बाहर आ जाएगा टोटल से, और फिर 2 तारीख से 11 तारीख के बीच का जो 10 दिन का कैंडल होगा उसके अकॉर्डिंग वो एवरेज निकालेगा। तो इसलिए चूंकि इसमें एक मूव होते रहता है, कैंडल में एक मूव होता है, इसलिए इसको हम मूविंग प्राइस प्राइस कहते हैं। अब ये तो यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं कि इसमें कितने तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। तो मुख्यतः ये वैसे तो बहुत सारे हैं अभी, लेकिन मुख्यतः 3 तरह के मूविंग एवरेज होते हैं जो मोस्टली यूजफुल होते हैं सभी ट्रेडरों के लिए, जिसमें पहला आता है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि वो एक जिस भी पीरियड का कैंडल सेलेक्ट कर रखा है आपने और जितने भी पीरियड का आपने मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर रखा है, वो उसके अकॉर्डिंग जो सारे कैंडल का एवरेज प्राइस होता है उसको वो मूविंग एवरेज में दिखाता है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम EMA और सिंपल मूविंग एवरेज को SMA कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या चेंजेज है कि वो लास्ट के जो बिल्कुल लास्ट के कैंडल की प्रायोरिटी कम होती है, जो अभी रिसेंट
कैंडल जो बन रहा है, जैसे मान लीजिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच का अगर हम 10 दिन का मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालेंगे, तो इनका एक कैलकुलेशन होता है कि जो 9 और 10 तारीख जैसे जैसे और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी प्रायोरिटी सेट होती है और उसके अकॉर्डिंग वो एवरेज शो करता है। तो बस इतना ही फर्क है इन दोनों में, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, और बहुत ज्यादा। सिमिलरली वेटेड मूविंग एवरेज, इसमें वेटेज ये टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसमें भी प्राइस और डेटा प्रायोरिटाइजेशन होता है रिसेंट कैंडल के हिसाब से। तो बेसिकली तीनों का लगभग काम सेम है, बस थोड़ा बहुत का लाइन का भी फर्क होगा। अगर आप दोनों तीनों सेम पीरियड के लिए लगाएंगे तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ है ये टाइप ऑफ। तो हमने मूविंग एवरेज का टाइप देख लिया, अब देखते हैं कि हम चार्ट पे भी चल के देखेंगे कि इसको कैसे हम लगाएंगे। तो वो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी कैंडल अगर आप मूविंग एवरेज के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसका टाइम पीरियड अगर 1 डे का है या 15 मिनट का है या 10 मिनट या 5 मिनट का है, तो देखिए यहाँ पे हमारी जो ट्रेड प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर को लगाएंगे। अगर हमारा स्विंग ट्रेडिंग है या मध्यम लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के नज़रिए से अगर हम कर रहे हैं तो 1 डे का मूविंग एवरेज लगाएंगे। अगर हमें इंट्रा डे के लिए लगाना है तो हम 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट जिस हिसाब से, अब वो आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें तो मिनट मिनट और 1 मिनट और 2 मिनट में ही काफी फ्लक्चुएट होते रहता है चार्ट में, ऊपर नीचे होते रहता है। तो हमारा ट्रेड जो होता है मैक्सिमम 10 to 15 मिनट के रेंज में ही होता है, उतने में ही ट्रेड मैक्सिमम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो उसमें हम 1 मिनट या 2 मिनट का लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम इंट्राडे ही कर रहे हैं जिसमें जो चार्ट में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है और हमारा मतलब टारगेट ये है कि 1 घंटे या 2 घंटे का है या 4 घंटे का है, तो अकॉर्डिंग टू मतलब जितना ज्यादा हम लंबे टेन्योर के लिए लेंगे, जैसे 1 आवर की एक्यूरेसी ज्यादा होगी, अगर 5 मिनट और या 1 मिनट या 2 मिनट में काफी फॉल्स इंडिकेशन, क्योंकि बेसिकली मूविंग एवरेज जो है ना वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, वो चार्ट के एवरेज बनने और उसके एवरेज निकलने के बाद ही वो आगे का शो करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक हमें आइडिया देता है। अब देखिए क्या होता है, ये कैसे यूज होता है, ये इसके बारे में भी हम, ये हमें कैसे इंडिकेट करता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि ये होता क्या है। तो पहले आप टाइम पीरियड को चूज कीजिए अकॉर्डिंग टू योर प्लान, फिर तो ये एक कैलकुलेशन का तरीका है जो इसमें बताया है, इसमें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसको कैसे हम यूज करते हैं, तो इसको किस किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, तो इसमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेडिंग सिग्नल्स इससे मिलता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कंफर्मेशन ऑन ट्रेड हमें कंफर्म करता है वो कैसे करेगा, ये सारी चीजें हम चार्ट पे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, ट्रेंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेड सिग्नल्स और ये कंफर्मेशन ऑन ट्रेड, इसके बाद हम ये मूविंग एवरेज के लिमिटेशंस क्या हैं, लैगिंग इंडिकेटर है जैसा हमने अभी डिस्कस, फॉल्स सिग्नल भी कभी कभी आता है इससे, मार्केट नॉइज मतलब वही फॉल्स ओवरफिटिंग, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अब स्ट्रेटेजी कैसे हम यूज करेंगे वो हम आगे चार्ट पे चल के देखेंगे और कैसे हम इंडिकेटर को लगाएंगे। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर करेंगे होने पे हम ये एक स्ट्रेटेजी है, मूविंग एवरेज बाउंस और मूविंग एवरेज, तो ये सारे स्ट्रेटेजी हैं जिसके को यूज करके हम जो आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम मूविंग एवरेज को सो लगाएंगे और कैसे हम उसके थ्रू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपना बनाएंगे। तो ये है हमारा चार्ट, अभी आपको दो यहाँ पे चार्ट पे दो लाइन दिख रहे हैं जिसको हम यहाँ पे पहले
देखते हैं कि कैसे इंडिकेटर को लगाएंगे। तो हम फिलहाल ये जो लगा हुआ इंडिकेटर है इसको हम हटा देंगे। तो अगर आपको मूविंग एवरेज का इंडिकेटर, सिंपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना है तो मूविंग एवरेज टाइप करेंगे, स्मूथ मूविंग एवरेज। तो ये आपको मूविंग एवरेज हो गया। अब इसमें अगर आपको चेंज करना है पीरियड तो आप मूविंग एवरेज पे SMMA क्या करेंगे, जी। तो अगर हमें सिंपल मूविंग लगाना है तो सिंपल मूविंग एवरेज का ये ऑप्शन दिखेगा आपको, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका डिफरेंट, बहुत सारे मूविंग एवरेज हैं बट ये तीन इंपॉर्टेंट है जो ट्रेडर्स लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इन तीनों को दो मैक्स, ये इंपॉर्टेंट दो ही है, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल, जो मैक्सिमम ट्रेडर्स इनको यूज करते हैं। तो ये आपका जो लाइन दिख रहा है ब्लू कलर का, ये आपका मूविंग एवरेज हो गया। लेकिन अगर आपको मान लीजिए इसमें पीरियड चेंज करना है, मैंने वन डे का चार्ट ओपन कर रखा है, अगर आप इसको इंट्राडे के लिए यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना कैंडल का पीरियड चेंज कर सकते हैं, जो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अगर 5 मिनट का लेते हैं तो ये आपका मूविंग एवरेज है, जो बाय डिफॉल्ट 9 डेज का नाइट 9 कैंडल का मूविंग एवरेज शो करता है। अगर आप इसको, मैं वन डे का सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगर आपको इसमें सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इनपुट में जाएंगे, यहाँ आप अगर 20 सेलेक्ट करेंगे तो मीन्स ये 20 डेज का मूविंग एवरेज शो करेगा। अब हम मूविंग एवरेज दो लेंगे, एक 20 डेज का और एक अगर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर यूज कर रहे हैं तो आप 7 और 20 का यूज कीजिए या 21 का। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक और सिमिलरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर इंडिकेटर लगाना है तो हम क्या करेंगे, EMA टाइप करेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शो कर रहा है। अब एक और मूविंग एवरेज हम EMA सेलेक्ट करेंगे, जो अब हम अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, वन चूंकि वन डे का चार्ट है, अगर मान लीजिए मुझे 1 वीक या 2 वीक के अंदर कोई ट्रेड लेना है, कि मतलब मैक्सिमम 1 और 2 वीक के लिए हम ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि हम एक इंडिकेटर जो 20 डेज का मूविंग एवरेज ले लेंगे और इसका कलर स्टाइल चेंज कर देंगे। मान लीजिए 20 डेज का हम इसको ऑरेंज कर देते हैं और इसका थोड़ा विड्थ वही आ देते हैं, ये 20 डेज का हो, और एक हम कर देते हैं जो इनपुट इसका 7 डेज का कर देते हैं, और इसका स्टाइलिंग में जाएंगे, कलर कलर सही है इसका, थोड़ा सा हम अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है। अब चार्ट पैटर्न जो है वो किस तरीके से काम करता है और ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, तो जो भी ये लाइन है जो 7 डेज का है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको फास्ट लाइन कहते हैं, और जो लॉन्ग टेन्योर के लिए है, जैसे 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो क्या है, वो एक स्लो, इसको स्लो लाइन कहते हैं। ये पीरियड कितना भी हो सकता है, 50-20 यूज कर लीजिए या 200 डेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज ले लीजिए, जैसी आपकी जितने लंबे टेन्योर के लिए आपका आपका ट्रेडिंग प्लान है उसके हिसाब से आप अपने मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे, लेकिन दो यूज करेंगे फॉर द योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लान। तो देखिए यहाँ पे दो सिनारियो बनते हैं, पहली चीज कि
ये चार्ट और मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। तो कैंडल का जो जो भी स्टॉक का प्राइस है वो ये कहता है कि वो अपने जो मूविंग एवरेज है वो उसके आसपास ही अपने आप को रखता है। अगर वो ऊपर है तो वो उसके पास आने की, ऊपर अगर जाता है तो उसके पास आने की सोचता है, आता है। जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए किसी, कोई भी बंदा अगर वॉक कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी मान लीजिए 5 किलोमीटर डेली वॉक करने या रन करने का है, तो वो अगर उसको बढ़ाना है अपने रेंज को, तो वो एक अचानक वो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर नहीं करेगा, वो एक एक करके ही 10 दिन में, सपोज मान लीजिए वो 5 किलोमीटर से 7-10 किलोमीटर कर लिया अपना, तो लेकिन वो फिर एवरेज वो उसका डाउन जाएगा। मीन्स अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो भी वो मूविंग एवरेज के पास आएगा, अगर वो नीचे, अगर उसके नीचे मूविंग एवरेज से नीचे है कैंडल, तो मीन्स स्टॉक जो है अभी वो बियरिश ट्रेंड में है। अगर वो मूविंग एवरेज से ऊपर है मीन्स स्टॉक जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। अब इसको हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूप में कैसे लेंगे वो हम देखेंगे। तो अगर आप इस चार्ट को बारीकी से देखें कि जब भी मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक गया है तो वो बियरिश हुआ है, ऐसे दिखेंगे। मान लीजिए अभी हम 20 डेज का ही ये मैं ऑरेंज कलर वाले देखें, तो यहाँ पे देखिए ये नीचे गया तो एक बियरिश ट्रेंड आया और यहाँ से यहाँ तक ये करेक्ट हुआ, राइट। अगर ये ऊपर जाता है तो फिर अपवर्ड ट्रेंड में चला जाता है। तो ये जब तक फिर ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता तब तक हम उसको क्या समझेंगे कि अभी ये बुलिश ट्रेंड में है। अब हम इसको ट्रेड में एंटर कैसे करेंगे, इसको एज ए स्ट्रैटेजी कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो छोटा वाला पीरियड है, अगर आप लोग ये यहाँ तक समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये ब्लू वाला लाइन कौन सा लाइन, जो जिसका पीरियड जितना ज्यादा होगा मीन्स ये अगर वो 20 डेज या 50 डेज, अगर मान लीजिए हम इसको 50 डेज, अभी यहाँ लाइन है ना, अगर हम इसको 50 डेज कर देते हैं तो वो कैंडल से उतना ही दूर लाइन हो जाएगा। देखिए अगर इसको 200 डेज कर देते हैं, अगर हम इसको 200 डेज कर देते हैं, तो ये और दूर हो जाएगा। देखिए मतलब इसका एवरेज जो प्राइस है 200 डेज का वो यहाँ इस रेंज में है, मतलब अभी ये एवरेज प्राइस से इतना ऊपर है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो हम अभी फिलहाल 20 डेज का लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हम ट्रेड में इसको यूज करके करते हैं। अब ये देखिए एक रियल चार्ट है। अब हम यहाँ पे देखें कि जब भी जो छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज लाइन है, वो सिंपल मूविंग एवरेज के लिए भी सिमिलर रूल है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए भी सेम रूल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। आप जो भी यूज करना चाहें उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो जब भी कभी ये छोटे वाले पीरियड का जो लाइन है इसको हम फास्ट लाइन कहते हैं और जो बड़े पीरियड वाला जो लाइन है उसको हम स्लो लाइन कहते हैं। तो जब भी कभी फास्ट लाइन स्लो लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर करता है तो उसको हम बुलिश क्रॉसओवर, मूविंग बुलिश ईएमए क्रॉसओवर कहते हैं, समझ गए। जब भी कोई फास्ट लाइन नीचे से ऊपर की ओर स्लो लाइन को क्रॉस करता है तो वहां पे क्या होता है, एक बुलिश इंडिकेशन आता है। अगेन ये एक इंडिकेशन है, ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है, ये जरूरी नहीं है कि ये हो ही। फॉल्स सिग्नल भी कभी कभी आता है, जैसा कि हमने इसके डिमेरिट्स में डिस्कस किया। सिमिलरली जैसे अभी ये चार्ट पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक फास्ट लाइन जो है वो क्रॉस ओवर कर रहा है स्लो लाइन को। अब यहाँ पे जब फास्ट लाइन क्रॉस ओवर कर रहा है तो एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखिए मिलता है हमें। ये हमें कहाँ तक, अब हम इस ट्रेड में कहाँ एंटर करेंगे ये डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम बियरिश ट्रेड में जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये क्रॉस ओवर हो गया तो जो कैंडल बन रहा है ये देखिए, ये भी एक क्रॉस ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कैंडल को इंतजार करेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर बनता है
हम इस कैंडल में एंटर करेंगे, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जो इसके जो सबसे नीचे का है यहाँ पे हम कहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट। और ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक कि फिर से ये फास्ट लाइन स्लो लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर ना करे। तो इस तरीके से हम देखें कि अगर 640 में हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम कहाँ तक का ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है, तो 730 लगभग 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट हो जाएगा ये 2-3 वीक में। सिमिलरली अब अगर कोई फास्ट लाइन, जब जब फास्ट लाइन स्लो लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस ओवर करता है तो वहां पे क्या होता है, एक बियरिश इंडिकेशन मिलता है, मतलब स्टॉक अब बियरिश ट्रेंड में जाने वाला। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ लेकिन थोड़ा सा ये फॉल्स सिग्नल जैसा दिया और ये फिर से ऊपर की ओर जाने लगा, लेकिन यहाँ पे फिर से ये एक फॉल्स सिग्नल के बाद ये फिर से ये डाउन आया। तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे इस पॉइंट पे एंटर करेंगे और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर का, ठीक है, और फिर एक डाउनवर्ड ट्रेड में इसको यहां से एक यहां तक का हम ये लगभग 1 वीक के अंदर हम लगभग 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा मूविंग एवरेज का। इस तरीके से हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर को यूज करके ट्रेड ट्रेड में अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी और प्लान हम उसको यूज कर सकते हैं। अगेन हम देखेंगे यहाँ पे भी एक बियरिश क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ जो थोड़ा गया ऊपर बट फिर से करेक्ट होके ये बियरिश क्रॉस ओवर हुआ, और फिर यहाँ से हम यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ तो अच्छा खासा ये हमें अपवर्ड मूव मिल रहा है। तो हम इस तरीके से इस इंडिकेटर को यूज करके अपने प्रॉफिट अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कभी कभी ये फॉल्स सिग्नल भी देता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर जैसा लग रहा था लेकिन फिर से ये वो हुआ, तो हम कहीं कहीं पे भी जब क्रॉस ओवर को यूज करेंगे तो हम उसको प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन का वेट करेंगे। और ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये होता है कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते रहें ताकि आपका जो पैसा ऑलरेडी बना हुआ है आप उसको ना गंवा दें। तो इस तरीके से इन स्ट्रेटेजी को यूज करके आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर को यूज करके आप अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। ये था हमारा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, धन्यवाद।